बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार सी खीर की रेसिपी। तो ये 1.5 लीटर हमने दूध लिया है, इसे हम बॉईल कर लेंगे। और यहाँ हमने लिया है 6 टेबल स्पून चावल का आटा, चावल लिया है हमने। इसे हम इसे पानी में घोल लेंगे चावलों को। तो ये वेट में 60 से 70 ग्राम चावल होंगे, चावलों का आटा होगा। दूध में अच्छे से बॉयल आ चुका था, उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है चावल का मिक्सचर। इसमें चावलों का मिक्सचर हमने ऐड कर दिया है खीर में, दूध में, और इसे हम अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। 4 से 5 हमने इलायची ली थी, इसे हमने कूट लिया है। तो देखिए खीर ठीक हो चुकी है, पकते हुए से 5 मिनट हो गए थे। अब इसमें ऐड कर दिया है हमने इलायची का पाउडर, इलायची जो हमने कूटी थी, इलायची ऐड करके हम इसे अच्छे से पका लेंगे। और उसके बाद हमने इसमें 1 प्याला हम चीनी ऐड करेंगे, जो कि वेट में 200 ग्राम होगी। तो मीठा भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे 1 लीटर दूध में 1 प्याला चीनी डलती है, जो कि 200 ग्राम के करीब होती है, लेकिन हमें मीठा थोड़ा कम चाहिए, इसलिए हमने इसमें थोड़ी कम चीनी डाली है। और ये 2 से 3 टेबल स्पून सूखा दूध है। और यहाँ है केवड़ा एसेंस और केवड़ा वाटर। तो दूध को हम थोड़ा पानी डालकर इसमें मिक्स कर लेंगे, लिक्विड टाइप कर लेंगे। इसे भी हम खीर में ऐड कर देंगे, इससे खीर में अच्छा सा मज़ेदार सा जायका आएगा, बिल्कुल बाजार जैसी खीर बनेगी। और इसके बाद हमने इसमें ऐड किया 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस, रोज़ एसेंस, और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं केवड़ा वाटर। अब इसे डालकर हम मिक्स कर देंगे। खीर हमारी तैयार हो चुकी है और इसे हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे सर्विंग बाउल में। तो देखिए हमने इसे डिश में निकाल लिया है, सर्विंग डिश में। तो ये देखिए इसको हमने गार्निश कर दिया है इसे में नारियल से और बादाम बारीक काट कर। तो आप जिस तरह चाहें इसे गार्निश कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार सी ये खीर बनती है, बाजार जैसी बावर्ची जैसी खीर बनती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये खीर बनी है, एक बार तो बनाना बनता है फ्रेंड। आप भी अपने घर वालों को इसी तरह मज़ेदार सी ये खीर बनाकर खिलाइएगा, आप इसे शाबली खीर भी कह सकते हैं। और मज़ीद से राज सी रेसिपी के लिए फिर मैं हाजिर होंगी। चलते दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।